बीजापुर से आ रही है, जहां नक्सल हमले में बाल बाल बचे दो पुलिस वाले थाना प्रभारी की गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ाया। गाड़ी का अगला हिस्सा धमाके की चपेट में आया। सोमनपल्ली और रानी बोदली के बीच ये विस्फोट हुआ था। आपको बता दें कि बीजापुर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए थे वाहन में थाना प्रभारी आकाश मसीह थे सवार। थाना प्रभारी के साथ एक आरक्षक भी गाड़ी में मौजूद थे। आपको बता दें कि एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बीजापुर से ये बड़ी खबर है, जहां नक्सल हमले में दो पुलिस कर्मी बाल बाल बचे हैं। थाना प्रभारी की गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ाया है। गाड़ी का अगला हिस्सा धमाके की चपेट में आ गया। सोमनपल्ली और रानी बोदली के बीच ये विस्फोट किया गया है। बीजापुर जिला मुख्यालय के लिए हुए थे रवाना वाहन में थाना प्रभारी आकाश मसीह सवार थे। थाना प्रभारी के साथ एक आरक्षक भी गाड़ी में मौजूद थे। तो वहीं एसपी जितेंद्र यादव ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले नक्सलियों की साजिश यहां पर फेल हुई है। बाल बाल बचे हैं पुलिसकर्मी सोमनपल्ली और रानी बोदली के बीच विस्फोट किया गया। बीजापुर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो रहे थे पुलिसकर्मी। उसी दौरान वाहन में थाना प्रभारी आकाश मसीह सवार थे। उनके साथ थाना प्रभारी के साथ एक आरक्षक भी गाड़ी में सवार थे और उन्हीं की गाड़ी पर विस्फोट किया गया। इस पूरे मामले की पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है। नक्सल हमले में बाल बाल बचे दो पुलिसकर्मी, थाना प्रभारी की गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ाया है। आपको बता दें कि गाड़ी का अगला हिस्सा धमाके की चपेट में आया। सोमनपल्ली और रानी बोदली के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बीजापुर जिला मुख्यालय के लिए पुलिसकर्मी रवाना हुए थे। वाहन में थाना प्रभारी आकाश मसीह सवार थे, साथ ही साथ एक आरक्षक और सवार थे गाड़ी में। तो वहीं एसपी जितेंद्र यादव ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। अब आगे की जाँच की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मुकेश चंद्राकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि शासकीय कार्य के लिए फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह जो है वो अपने ही थाने में पदस्थ जो प्रधान आरक्षक हैं, इनके साथ फरसेगढ़ से निकले ही थे, जिला मुख्यालय बीजापुर के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान जो है गन्नम नाला के पास माओवादियों द्वारा एक आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें कार का जो सामने का जो हिस्सा है ये क्षतिग्रस्त हुआ। अच्छी बात ये रही कि इस घटना में वाहन में सवार थानेदार आकाश मसीह और साथ ही प्रधान आरक्षक संदीप ये सकुशल हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान इन्हें नहीं हुआ है। लेकिन वाहन का जो सामने का हिस्सा है उसमें थोड़ी सी क्षति जरूर पहुंची है। आमतौर पर नक्सली इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, इस तरह के वाहनों में ब्लास्ट करते रहे हैं और ऐसा ही ये मामला निकल कर आया। जी बिल्कुल, इससे पहले भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। बीते दिन भी एक खबर सामने आई जहां पर दो बच्चों की मौत हो गई, मासूम बच्चों की मौत हो गई। यानी कि ये गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं कुछ समय से। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार जो है, सरकार और सुरक्षा बल के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी दिखा रहे हैं, नक्सल उन्मूलन के लिए जिस तरह से आक्रामकता दिखा रहे हैं, तो नक्सली भी प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है कि किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने में नक्सली कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हम एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात करें तो एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार जवानों को कामयाबी मिल रही है और बिना किसी नुकसान के कामयाबी मिल रही है। बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के कोर इलाके में जाकर, आधार इलाके में जाकर पुलिस जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रही है। अबूझमाड़ जैसे इलाके में जा रही है, बीजापुर और सुकमा का जो सीमावर्ती इलाका है, बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो सीमावर्ती इलाका है, बेहद टफ टेरेन है, भौगोलिक परिस्थितियां बेहद विषम है। बावजूद इसके ऐसे इलाके में जाकर बिल्कुल यहाँ पर जवानों की तरफ से सक्रियता दिखाई दे रही है, लेकिन नक्सलवाद भी यहाँ पर अपना सक्रिय नजर आ रहे हैं और हमले एक के बाद एक करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए।